हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में, जो वैसे सेमेस्टर सेकंड की टॉपिक है बॉटनी में। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे, हम कैसे हम उसको याद करें। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सिंपल फ्रूट्स होता है, एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं और कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं। सिंपल फ्रूट्स में खासियत ये होती है, ये मोनोकार्पलरी होता है या तो मल्टी कार्पलरी होता है, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब कार्पी फ्यूज होते हैं। सिंपल फ्रूट्स को अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल फ्रूट्स को बात करते हैं, यहाँ पर दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ड्राई फ्रूट्स और सकुलेंट फ्रूट्स, जिसको फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं, जिसमें पेरिकार्प जो होता है नॉट डिफरेंशिएटेड होता है। इसका मतलब ये होता है एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, उसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, डीएसएन फ्रूट्स, एनडीएसएन फ्रूट्स, सीजोकार्पिक फ्रूट्स। डीएसएम जो होता है मतलब उसे कहते हैं जो पेड़ पर से मान लो फ्रूट गिरा, जमीन पे गिरने के बाद उसके अंदर से सीड बाहर आ गए, उसे हम लोग कहते हैं डीएसएम फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम लोग को उसके जो टाइप्स होते हैं, सिलिकुआ होता है, कैप्सूल होता है, सिलिकुला होता है, लेग्यूम्स होता है, फॉलिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिलिकुआ का जैसे मस्टर्ड एग्जाम्पल होता है, कैप्सूल विंडी एग्जाम्पल होता है, और सिलिकुला का सेफर्ड पर्स एग्जाम्पल होते हैं, लेग्यूम्स का पी होता है, फॉलिकल्स का चंपा होता है। तो उसको कैसे याद करने का ट्रिक कैसे है, इसको सिलिकुआ मतलब सिल्क, कैप्सूल मतलब कपड़ा, सिलिकुला सिल्के, लेग्यूम्स लाई, एफ फोली। तो इस तरीके से हम लोग उसको याद करेंगे यहाँ पर। तो कैसे पढ़ेंगे, सिल्क का कपड़ा, सिल्के लाई फोली, इस तरीके से इसको याद करेंगे हम। इंडिएसन फ्रूट्स, इंडिएसन फ्रूट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंडिएसन फ्रूट्स जो होता है पेड़ से गिरने के बाद क्या होता है, उसको जमीन में से सीड बाहर नहीं आते हैं, मतलब उसको मैन्युअली करना पड़ता है, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू करना पड़े, चाहे वो ह्यूमन बींग के द्वारा उसको करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिएसन फ्रूट्स कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं इंडिएसन फ्रूट्स, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, समारा, एकिन्स, नट। सिप्सेला में कौन एग्जाम्पल उसका, कंपोजिटी, इसको याद रखिएगा, कंपोजिटी आते हैं, जैसे हेलियंथस है। अगर हम लोग बात करते हैं मारी मारीगोल्ड जो होता है, मैरीगोल्ड होता है, सन फ्लावर होते हैं। कैरियोप्सिस में ग्रामिनी में आएगा, जैसे राइस है, वीट है, ये सारे आएंगे। समारा चिलबिल आता है, एकिन में रेनुनकुलस प्लांट्स आते हैं, नट में लीची, याद रखिएगा। ये आर द बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको कैसे हम लोग याद करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, सिप सिप्सेला मतलब सिप कार, कैरियोप्सिस मतलब कार से अलग लगाएंगे, समारा मतलब शहर, एकी मतलब आके, नट नट यहाँ पर दिया हुआ है, नट करीदा। तो इस तरीके से हम लोग उसको करेंगे यहाँ पर। सीजोकार्पिक का मतलब यहाँ पर होगा जिसके फ्रूट जो होते हैं वो मतलब फ्रूट जो छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं, जैसे मूंगफली देख लीजिएगा, टैमरिंड्स देख लीजिएगा। तो उस तरीके से ये इसमें छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में सीड पाए जाते हैं, उसके कवरिंग पार्ट भी सेगमेंटेड होते हैं, उसको सीजोकार्पिक कहा जाता है। तो सीजोकार्पिक के जो टाइप्स होते हैं, रिग्मा होता है, इसका एग्जाम्पल कैस्टर होता है, कैस्यूलस जूसी होगा, डबल समारा मैपल्स होंगे, क्रीमो का धनिया होगा, लोमेंटम ग्राउंड नट होगा। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, इसको याद करने का तरीका है यहाँ पर, रेमा कार से दोबारा दोबारा क्रीम लाई। इसको कैसे याद करेंगे, रेमा मतलब रेमा, कार से याद करिएगा, डबल का दोबारा, क्रीमो क्रीम लाई, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सकुलेंट फ्रूट्स के बारे में। सकुलेंट मतलब होता है कि जिसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है, इट मींस दैट एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में ये डिफरेंशिएटेड होता है। तो सकुलेंट्स जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लैशी जो फ्रूट्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, बेरी, बनाना, ग्रेप्स, मलुस्टा का, पोमग्रेनेट्स, एम्पिसार्का का, वुड एप्पल, एस्पिडियम का, ऑरेंज, हिपेटोडियम, पोम, पीपो, रूप। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक याद करने का तरीका है, बीबीए है, बीबीए हम है, इसको ऐसे याद करेंगे, बी से होगा बेरी, बी से होगा बलोस्टा, ए से एम्फिसार का, एस्पिडियम का हम, ये पैंटोडियम का है।
दूसरा उसी में एक और है, पोम पीपो रोब, तो उसको कैसे याद करेंगे, पोमी ने पहना ड्रेस, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट है एग्रीगेट फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट फ्रूट मतलब ये होता है कि वह फ्रूट जो मल्टीकार्पल होते हैं और एपोकार्पस होता है। मल्टीकार्पल होंगे, एपोकार्पल मतलब कार्पल जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, एटेरियो ऑफ एकी जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी है, एटेरियो ड्रूप रसबेरी है, एटेरियो बेरी जिसका एग्जाम्पल है शरीफा है जिसको कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है, एटेरियो फॉलिकस जिसको मदार कहा जाता है। याद करने के तरीका यहाँ पर ये है, बी से हो जाएगा बैग फ्लावर, इसकी जो ट्रिक है बैग, बैग मतलब एटेरियो ऑफ बेरीज, ए का मतलब एटेरियो ऑफ एकी, ड्रूप डी का मतलब होता है एटेरियो ड्रूप, फ्लावर मतलब होता है एटीरियो फॉलिकल्स, एफ से याद कर लीजिएगा। कंपोजिटी में अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट कंपोजिटी, कंपोजिटी मतलब ये होता है कि वो फ्रूट्स जिसका डेवलपमेंट जो होता है इनफ्लोरेसेंस होता है उसे हम लोग कंपोजिटी में रखते हैं। तो यहाँ पे कौन दो है, साइकोनस एक सोरोसिस, साइकोनस में आपका अंजीर आ जाएगा, सोरोसिस में आपका कटहल जिसको जैक फ्रूट्स कहते हैं, मलबेरी कहते हैं, पाइनएप्पल, ये आपको सोरोसिस में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।